उत्तर प्रदेश जिला बरेली में समाज सेवी संस्था पारस एजुकेशनल सोसाइटी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में सैनिक कॉलोनी पर्यावरण बचाओ और पानी बचाओ को लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम का संचालन धीरज कुमार ने किया। इस मौके पर सोसाइटी के MD BP सिंह ठाकुर ने कहा कि आज जल स्तर इतनी तेजी से गिर रहा है कि भविष्य में एक विकट समस्या उत्पन्न होगी। पीने के लिए सिर्फ साफ पानी नहीं मिलेगा, यह चिंता का विषय है। इसलिए हम सबको मिलकर यह पहल करनी होगी कि पानी को कैसे बचाएं और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। सोसाइटी ने स्कूल स्कूल जाकर 5-5 वृक्ष को लगाने का संकल्प लिया। पर्यावरण सही कैसे रहेगा, सेफ वाटर सेफ प्लांट, पारस एजुकेशन सोसाइटी के तत्वाधान में एक जागरूक करने के लिए छात्र छात्राओं से आर्ट प्रतियोगिता का पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें इन्होंने वो दर्शाने का प्रयास किया है कि हमें पानी को कैसे बचाना है और किस तरह हमें पर्यावरण को भी बचाना है। दोनों पर इन्होंने पोस्टर बनाए हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि हमें जीवन में पानी कितना महत्वपूर्ण है। और मेरी आप लोगों से भी अपील है, पानी को बचाना है। अगर पानी को नहीं बचाएंगे आने वाले भविष्य में बड़े ही संकट का दौर होगा और उस संकट से हमारी आने वाली पीढ़ी को गुजरना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम जयसी श्रीवास्तव है। आपने क्या बनाया है? मैं इस पोस्टर के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि आज के समय में जो हम लोग आज के समय में जो युवा हैं, जो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। क्योंकि जल के माध्यम से अगर जल है तो हम पी पाते हैं पानी, सब कुछ काम उसी ज़्यादा से ज़्यादा जल से होते हैं। इसलिए हम ये अपने जन्मदिन के तौर पर ये माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जन्मदिन के समय में हमारा जन्मदिन आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ और पानी को वेस्ट, यानी आप सीधा संदेश देना चाहते हैं कि अपने जन्मदिन पर हम अधिक से अधिक पेड़ वृक्षारोपण करें। जी सर।